हम कोड ब्लॉक के कठूर गांव की तरफ जा रहे हैं और ये सुनील नेगी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, कई दिनों से आपने उनको देखा होगा, चुनाव की कवरेज के लिए आए हुए थे और दिल्ली वापस जाने वाले हैं। आज हमने प्रोग्राम बनाया कि उनके गांव भी जाएं और देखें कि गांव की स्थिति क्या है। हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय जो समाज सेवी हैं, पूर्व में अध्यापक रहे हैं, गांधी सिंह नेगी जी भी हैं, और उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हमें बताया है जो कि PMGSY की सड़क को लेकर है, जिसमें कई तरह के घोटाले की शिकायत इन्होंने कई बार की है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो गांधी सिंह जी हमें बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्या है मामला ये? मामला ये है कि ये सड़क जो थी, जी आप मुझे थोड़ा दिखाएं भी कि कहाँ पे बोर्ड क्या ये है। सड़क जो थी जी ये डांडा पानी से कोट ब्लॉक को मिलाने वाली थी। बिल्कुल इसमें 1.5 किलोमीटर जो है पीडब्ल्यूडी की बना रखी थी, उससे आगे भी पीडब्ल्यूडी की बना रखी थी। फिर ये सड़क कैसे कन्वर्ट हो गई PMGSY के पास, और PMGSY ने जो काम किया है वो इतना संतोषजनक है, इतना गंदा। पहले आप जैसे बोर्ड में मुझे बता रहे थे कि बोर्ड में हाँ, कुछ मैं चीजें आपको आपने बता बोर्ड में दूं, दिखाई ये है। सड़क का जी नाम जो है नजदीक से दिखाई। ये खोला सैलंगी, सबसे बड़ी बात, डिस्प्यूटेड बात तो ये है कि खोला सैलंगी कोट ब्लॉक, जबकि खोला गांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। ये खोला सैलंगी, जबकि इस गांव का, खोला गांव से इस रोड का कोई संबंध नहीं। खोला गांव में आज भी सड़क नहीं है, सड़क से विहीन है, और इसको यहाँ का इस नाम से यहाँ बना दिया गया है। चलो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो सड़क बन गई, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसमें जितनी निर्माण में जितनी धांधलियाँ, जितनी अनियमितताएँ बरती गई हैं, और हमने इसकी शिकायत मैंने सूचना से भी मांगी है। दयाल सिंह जी हमारे एक सहयोगी हैं, RTI कार्यकर्ता, उनके और मैंने दोनों ने मिल करके हमने ये RTI मांगी। और इनके जो चीफ इंजीनियर देहरादून बैठते हैं, उनके कार्यालय से भी कई बार, श्रीनगर इनका कार्य वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, उनसे भी हमने कई सुन, तो हमको केवल टाला जा रहा है एक दूसरे के साथ, वहां से मांगो, वहां से मांगो, वहां से मांगो, इस वो ठीक है, प्रकार। आप ये बताइए कि इसमें जो आपने गड़बड़ियां पकड़ी हैं, जो कि आप बोर्ड में दिखा रहे हैं, जैसे कार्य प्रारंभ की तिथि, ये बताइए जरा क्या हाँ, है। इसमें ऐसा है जी कि जब ये बना था तब हमने इनको दिया था कि इनकी कार्य प्रारंभ तिथि जो है 7/5/13 है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, और बिल्कुल समाप्ति की तिथि 6/5/14 है। बिल्कुल ठीक, फिर जिस दिन काम समाप्त हो रहा है उसके दूसरे दिन से ही अनुरक्षण मेंटेनेंस शुरू हो गया 7/5/2014। हमें नहीं लगता कि हमारे PWD में या दूसरों में ऐसा होता कि कुछ समय ठेकेदार की गारंटी होती है कि वो सड़क बन गई है तो उसकी गारंटी है कि कितने दिन तक ये बन जाएगी, और उसके दूसरे दिन ही 18 लाख रुपए इस पर मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया है। और मेंटेनेंस के नाम पर आप ये सड़क के गड्ढे, आपको मैं पहले भी लाया था, इन सड़क को पेंटिंग, इन्होंने हमको कहा कि 25 और 30 मिलीमीटर हमारी वो जो है उसकी डामर की मोटाई है, आप देख लीजिए कि पत्थर ऊपर है, और मतलब मुझे लगता है केवल पेंट किया है, काला है, बाकी पेंटिंग नहीं हुई इस पर सड़क पर। आप सड़क को देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप पेंटिंग किस तरह की है, पेंटिंग आप देख सकते हैं, पूरी ये पूरी हुई पेंटिंग है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पत्थर आप देख लीजिए, ये पत्थर ऊपर है पेंटिंग का, ये दिखाइए दिखाइए, ये आप देख सकते हैं। नेगी जी भी मेरे साथ इसको हैं आप ही और नेगी जी से ही बात करेंगे। नेगी जी, आप कई सालों बाद गांव में आए हैं आज, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जिस सड़क से हम जा रहे हैं, इन्होंने नेगी जी ने कई बार मुझसे शिकायत करी थी, मैंने खबरें भी बनाई थी, लेकिन उस खबरों में कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो लापरवाही है, जिस तरह से इतना ज़्यादा पैसा सरकार की तरफ से आता है और अनुरक्षण के नाम पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो फंड्स हैं उनकी बंदरबांट हो जाती है,
नेगी जी, सबसे पहले तो मैं जागो उत्तराखंड को बधाई दूंगा कि आप समय समय पर उत्तराखंड से जुड़े जो जन भलाई के कार्यक्रम हैं और जो भ्रष्टाचार हैं इन पे हो रहे हैं उनको आप जनता के पटल पर लाते हैं, जनता के सम्मुख लाते हैं, प्रशासन के सम्मुख लाते हैं, इसके लिए आपको बधाई। मैं आज कई दिनों बाद गांव आया हूँ, इस समय मैं चुनाव के कवरेज पर यहाँ उत्तराखंड में आया हुआ था, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा अपने गांव भी जाना चाहिए और जाता भी आता रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब मैं गांव में आया तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने भी खुद नोट किया है कि ये आधी सड़क जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़क आधी जा रही है कठुर से डांडा पानी से कठुर तक की, आधी सड़क पीडब्ल्यूडी की है, मैं दिखाऊंगा। और पीडब्ल्यूडी की सड़क तो बड़ी अच्छी कंडीशन में है, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जहाँ गाड़ी खड़ी है लाल वाली, लेकिन उसके ठीक आगे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो ये रोड है, बिल्कुल जहाँ पे आप खड़े हैं, हाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये 7/5/2013 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 6/5/2014 को इन्होंने बताया कि उसका समाप्ति की तिथि थी। लेकिन आप ताज्जुब करोगे इस बात को जान करके कि मेंटेनेंस के नाम पर इनको लगभग 18-19 लाख जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है, और डेट में जैसे हेरफेर किया गया वो दिखा दीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये जैसे गांधी सिंह ने बताया, गांव के प्रधान है भी रहे हैं और टीचर भी हैं, मतलब बहुत पहले और अच्छे लीडर हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, उन्होंने खुद ही बताया इस बात को, मैं उनकी तस्दीक के बाद आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कार्य प्रारंभ की 2013 है, खत्म होने की तिथि 6/5/2014 है, और उसी से मरम्मत कार्य उसी दिन से शुरू हो जाता है। आप ये देखिए, जबकि रोड बनने के बाद मरम्मत कार्य इतनी जल्दी शुरू नहीं होता है, नहीं होती है, गारंटी होती है उसकी, लेकिन बाद में जब इनको रियलाइज हुआ कि इन्होंने गलती कर दी है तो अपनी बात को ठीक करने के लिए, छुपाने के लिए 31/3/2014 उसको कन्वर्ट कर दिया गया, कटफट की गई जिससे साफ समझ सकते हैं कि गड़बड़ हुआ है। दूसरा नया बोर्ड भी लगा, अच्छा है। नया बोर्ड आप देख रहे हैं जो ये लगा हुआ है, जैसे गांधी सिंह जी ने खुद बताया है इस बात को, वो तो यहाँ रहते हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, उनका परिप्रेक्ष्य ये होता है, उनका कंसर्न ये होता है कि जो गलत चीज हुई वो ठीक की जाए। कम से कम अगर ग्रामीण सड़क योजना में प्रधानमंत्री की तरफ से इतना भारी भरकम रकम दी गई है तो कम से कम जनता को सुविधाएं तो मिले। एक तरफ भ्रष्टाचार उन्मुक्त करने की देश से बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है तो बड़ा दुख होता है। अब आप देखिए इसमें 2014-15 आप ये दिखाइए, 2014-15 से लेकर के 2018-19 तक टोटल 18 लाख रुपए इसको मेंटेनेंस के लिए दिए गए हैं सड़क के। और अगर हम ये मान भी लें कि 2017-18 तक 1.71 लाख, उससे पहले 6.25 लाख, उससे पहले 1.44 लाख, उससे पहले 1.31 लाख रुपए इस सड़क की मेंटेनेंस के लिए खर्च भी हुए हैं, जो अलबत्ता नहीं हुए हैं लेकिन हम मान मिले हुए हैं। तो आप देखिए 2018-19 में 7.29 लाख, लगभग 8 लाख रुपए पिछले साल इसमें खर्च हो चुके हैं। और आप मजे की बात ये है, इसी साल और मजे की बात ये है कि आज जो है अप्रैल है, 13 तारीख है और एक महीने का समय गुजर गया और इनकी मेंटेनेंस की डेट के हिसाब से 18-19 13 दिन आगे बढ़ गए और मेंटेनेंस इनके हिसाब से खत्म हो गई। तो जो 7.29 लाख रुपए इस साल के लिए इस रोड की मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे उससे हमें ये मान लेना चाहिए कि रोड ठीक हो गई है, दुरुस्त हो गई है, बढ़िया हो गई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 7.29 लाख इस साल के मेंटेनेंस के दिखाने के बावजूद भी जो इसमें साफ लिखे हैं, सड़क की स्थिति आज भी क्या है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पेंटिंग बिल्कुल इसमें उखड़ी हुई है, इसमें ये देख सकते हैं आप, इसमें मिट्टी भरी हुई है, जगह जगह मिट्टी पत्थर जाके खड़ भरे हुए हैं, नालियां आप देख सकते हैं, नालियां भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आसपास कितनी झाड़ियां उगी हुई हैं, नालियां बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नालियों का कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल नालियां मलबे से भरी हुई हैं, झाड़ियां हैं आप देख सकते हैं, झाड़ियां उसकी नाली के बगल में बिल्कुल, ये दोनों तरफ झाड़ियां देख सकते हैं आप सड़क में। नेगी जी आगे दिखा रहे हैं आपको, और ये मिट्टी से भरे गए हैं पैच वर्क जो है मिट्टी से किया गया है, ये देखिए बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं नीचे, ये खड़े देख सकते हैं आप, तो नाली दिखा दी बिल्कुल, मैंने सब कुछ दिखा दिया, नाली की मेंटेनेंस साथ साथ होती है, बिल्कुल ये पैरापेट्स की स्थिति देखिए, पैरापेट्स अगर 7,29,000 रुपए इसमें पिछले साल खर्च किए गए तो आप ये देखिए, ये पैरापिट ये उखड़ा हुआ बिल्कुल, इसमें कोई एक रुपए भी नहीं लगा है, और अगर पैसा लगा होता तो ये तो आपको ठीक दिखाई देता कम से कम, इसमें तो गाड़ियां भी नहीं चलती है, ये सारे उखड़े हुए हैं।
तो कुल मिला के नेगी जी, इस सड़क में अगर हम पूरा चलेंगे तो कम से कम 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन इस खबर के माध्यम से क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लोगों को जागरूक भी करते रहें, तो हम लोग तो जगह जगह जाएंगे और हमारा मकसद ये है कि हम जिस तरह से जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तो आप लोग भी जब अपने गांव जाएं और इस तरह के बोर्ड लगे देखें कहीं पे भी, चाहे वो PMGSY की सड़क के हों, ये बोर्ड लगाए जाते हैं, तो इन बोर्डों की पड़ताल कोई भी कर सकता है क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद डिसाइड करें कि इसमें क्या गड़बड़ है और उसकी शिकायत करें। जी नहीं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि उत्तराखंड में पलायन की स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो यहाँ का एजुकेटेड जो कॉन्शियस क्लास है, क्योंकि वो उत्तराखंड से पलायन कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में गांधी सिंह जैसे कुछ लोग हर गांव में हर ग्राम सभा में आज भी हैं जो इन इश्यूज के लिए लड़ते हैं और सरकार का प्रशासन का ध्यान इन कमियों की तरफ लाते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों को जो दिल्ली में भी रहते हैं कि वो अपने गाँव के प्रति सचेत रहें, इसलिए कि गाँव में उनकी गैरहाजिरी में, क्योंकि कॉन्शियस तबका, पढ़ा लिखा तबका, जो संवेदनशील तबका चूंकि यहाँ से जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि विकास के कार्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन विकास के कार्यों में बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों को लेकर खास तौर से बड़ी बड़ी जो स्कीम है जिसमें काफ़ी पैसा सरकार की तरफ से मिलता है, उसमें बहुत बड़े बड़े झोल होते हैं, बहुत बड़े बड़े करप्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड़बड़ियाँ होती हैं, इनफिशियंसीज होती हैं, डिलिबरेट इनफिशियंसीज होती हैं, और चूंकि वो जानते हैं कि यहाँ के लोग बाहर चले गए हैं, ये टेक्निकल काम होते हैं, इन टेक्निकल कामों को वो कोई बारीकी से इनको एग्जामिन नहीं कर सकता, इसलिए इसकी आड़ में वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं और दिखावे के लिए काम करके चले जाते हैं। तो बहुत सारी पहाड़ में न सिर्फ कठूर से लेकर डांडा पानी से लेकर कठूर की सड़क का ही सवाल नहीं है, ये शालंगी वाली सड़क का ही सवाल नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के तकरीबन हर जिलों में इस तरह की स्थिति है, सड़कें बनी हैं लेकिन सड़कों का मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पर बहुत बड़ी रकम जुटाई जाती है, खाया जा रहा है पैसा। लेकिन मैं आपको इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब, चाहे वो गाँववासी हैं, चाहे गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो जो लोग गांव आते रहते हैं साल में या जो गांव से पलायन कर चुके हैं लेकिन गांव के प्रति कंसर्न है आज भी, उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और RTI के माध्यम से, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, और प्रशासन को मिल करके इन सब खामियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो ये पैसा लग रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में लग रहा है, चाहे वो PWD के मार्फत से लग रहा है, आपको एक चीज़ भली भांति जान लेनी चाहिए कि ये हमारा टैक्स पेयर्स मनी है, ये पब्लिक एक्सचेकर का मनी है, ये वो पैसा है जो पैसा हम अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, तो इन पैसे का अगर मिसयूज होगा तो निश्चित तौर पर ना तो हमें सुविधाएं मिलेगी और इस पैसे का मिसयूज भी होगा, जो सरकार के सीधा जो कॉर्पस फंड होता है, जो सरकार के बजट होता है, जो आपका टैक्स पेयर मनी है, ये सीधा सीधा उसका उसकी लूट है, दुरुपयोग है, तो उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जागो उत्तराखंड के माध्यम से हम यही संदेश आपके पास गांधी सिंह नेगी के जरिए, आशुतोष नेगी के जरिए और मैं अपने जरिए पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद नेगी जी, गांधी सिंह जी, नेगी जी आपका भी धन्यवाद। और ये हमने जो एक चावल निकाल के, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं तो एक चावल कच्चा होता है, तो एक कच्चा चावल उठा के हमने आपको दिखाया है कि इस तरह की स्थितियां पहाड़ में हर जगह हैं और पहाड़ी नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी होंगी। तो जहां जहां लोग इस वीडियो को हमारा देख रहे हों, वो अपने, चाहे वो गाँव में ना रहते हों लेकिन उनकी जड़ें गाँव में हैं, जब भी वो गाँव में आए तो कम से कम अपनी सड़कों की स्थितियाँ, अपने जो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनकी स्थितियों का अवलोकन जरूर करें और अपनी आवाज़, जिन लोगों ने इस पे कार्रवाई करनी है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे सरकार है, चाहे आपके विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, उन तक जरूर पहुँचाएं। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी के कोट ब्लॉक से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।